तेरे दरबार का। क्या कहना वाह क्या कहना, क्या कहना वाह क्या कहना, बालाजी सरकार का। बस गया जलवा दिल में तेरे दरबार का। कोई भी कार्य धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज को और बालाजी महाराज को याद करते हैं। क्यों करते हैं बालाजी महाराज को, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ग्रंथों में लिखित है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो कौन कौन बालाजी महाराज को याद करना चाहेगा, एक मिनट के लिए वो नाम ले लो जिसको सुन के बालाजी महाराज भी रुक नहीं पाएंगे। एक हाथ उठा के जितने भी भक्त आए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी आए, एक मिनट के लिए सिर्फ एक ही आवाज दिखनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस स्थान न दूजा ऐसा।
कैसे बुलाते हैं बालाजी महाराज को? दुनिया में कलयुग में दो देव हैं, एक संकट को काटने के लिए, संकट को काटने के लिए मेहंदीपुर में बालाजी महाराज बैठे हुए हैं, और हारे हुए को जिताने के लिए खाटू में बाबा बैठे हैं। और जब दरबार में सामने होते हैं तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं? बैठे रहते हैं? उठाओ जरा लंबे लंबे हाथ। कौन कौन सेवा करने आया? जो सेवा करने आए दोनों हाथ उड़ा के एक दो तीन। जगदीश भाई, जब कोई खुशी होती है हम अपनी खुशी को नाच के व्यक्त करते हैं। अब ये लोगों की मानसिकता है कि उसको नाचने के तरीके से देख रहे या झूमने के तरीके से देख रहे, ये लोगों की मानसिकता है। लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए एक ही बात बोलूंगी, अपनी मानसिकता बदलो भाई साहब, अपने विचारों को बदलो। नाचने का पर्याय बाची झूमना भी होता है। अभी देखा जाए खाटू धाम में रिंगस से लेके खाटू तक भगत खुशी में बाबा के जन्मोत्सव पे झूमते ही नजर आएंगे। आप कोई कुछ भी नजरिया देखे, ये उसकी सोच पे निर्भर करता है किसको किसको खुशी हो रही है। ये आनंद लेते हुए बोलो राम सिया राम। देशी कल्चर आया, लोगों ने वापस भेजना शुरू कर दिया उसको और बोल दिया कि अब हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश से लहर निकली है राम के नाम की, अब तो वो ही हिंदुस्तान में लहराएगी। हमारे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ
जी जो हर पल लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था जगाते रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अगर देखा जाए, सोचने वाली बात है, प्रधानमंत्री तो बहुत आए लेकिन कभी ऐसे प्रधानमंत्री को देखा आपने जो कभी उज्जैन में संत महात्माओं की तरह पूजा अर्चना करते हुए दिखते हैं, तो कभी केदारनाथ में भगवा वस्त्र धारण करके गले में रुद्राक्ष की मोटी माला पहन के माथे पे लंबा सा तिलक लगा के दिखते हैं, कभी देखा है ऐसा प्रधानमंत्री? नहीं। सोचने वाली बात एक और, पहले कुछ सालों पहले जब विदेश से कोई आता था हमारे देश में, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो हमारे देश की हित की सोचेगा, मैं उसके बारे में गर्व के साथ बोलूंगी, डंके की चोट के साथ बोलूंगी, इसीलिए बता रही हूँ आपको। अभी महोदय, अभी कुछ सालों पहले जब हमारे हिंदुस्तान में कोई भी विदेश से आता था, कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारे हिंदुस्तान को कि यहाँ पे क्या क्या विशेषता है देखने पहले कोई आता था, तो हमारे देश में जो उस समय प्रधानमंत्री थे, जो उस समय नेता थे, वो ताजमहल पे ले जाके खड़ा कर देते थे, कुतुब मीनार, लाल किला, ये दिखाया जाता था। लेकिन अब बदलाव हो गया है, अब बदलाव हो गया है, वही हिंदुस्तान में अब कोई विदेश से आता है हमारे हिंदुस्तान के बारे में जानने के लिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बड़े रुतबे के साथ में गंगा के किनारे ले जाके उसको गंगा आरती के दर्शन कराते हैं। ये है हमारे देश की भव्यता। हम क्यों ना कहेंगे हम उस देश से हैं जिसकी सभ्यता, जिसकी संस्कृति, जिसका साहित्य देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है। हम क्यों नहीं कहेंगे ताजरा लंबे लंबे हाथ हो राम सिया राम सिया श्री ओम बिड़ला जी आ रहे हैं, उनके आने तक आज इस जगह पे पूरा ऐसा माहौल लगना चाहिए कि हम सभी सवाई माधोपुर में नहीं बल्कि अयोध्या नगरी में बैठ के राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। एक बार बुलंद आवाज में लगाओ जरा जयकारा, जय श्री राम। सीता
बोलिए खाटू नरेश की। मोरे सबही, मैं तो यही चाहती हूं कि मेरे देश में, मेरा देश जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और जहां से मैं आई हूं उत्तर प्रदेश, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी, और मुझे लगता है हिंदुस्तान का एक एक हिंदुस्तानी चाहता होगा कि हमारा देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ता जाए, हिंदुत्व को एक बल मिलता जाए। और बल किस प्रकार मिल रहा, इशारा दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इशारा देते हैं हर पल कि तुम आगे तो बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे तो बढ़ो। एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली, जो हमारे देश को एक नई दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। आपको पता नहीं है, पता नहीं मुझे, आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाती हूँ, देश दुनिया की खबर रखती हूँ। आपको बता दूं, हमारे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की नजर रहती है कि अब आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब कौन सा नया विस्फोट होने वाला है हमारे देश में, क्योंकि अभी तो चर्चे ही निराले हैं। जिस देश में हम रहते हैं प्यारे, अब अपने अपने देश के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और अगर वाकई जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो देश के हित के बारे में सोचता है, वो बुलंद आवाज में जयकारा लगाएगा राम जी का, और जो देश में रह के जय चंदो की तरह रहता है वो ना लगाना, लेकिन जो देश के हित की सोचता है, लगाओ जरा एक बार अयोध्यापति का जयकारा। जय श्री राम। अब लग रहा है कि हम अयोध्या नगरी में हैं और राम लला के दर्शन कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।